अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और मन ही मन में साक्षी भी हमारे ससुर को दिल दे बैठी थी। जैसे ही रानी माँ को इस बारे में पता चला तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। साक्षी, ये क्या कर दिया आपने? आपको जेल भेजूंगा मैं। पल्लवी, पल्लवी, संभालो अपने आप को, पल्लवी। राम सुंदर, लेके जाओ इनको। एक तरफ पल्लवी के गर्भ में उसकी संतान थी तो दूसरी तरफ वो अपने पति को खो चुकी थी। बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। एक पत्नी से उसका सुहाग, एक बच्चे से उसका पिता छीना है। हाय लगेगी तुमको। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम सबकी करूंगी। तुमसे तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा, ये पल्लवी छीनेगी। इस बच्चे की कसम, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश होगा। पर पाप तो तब करेगी ना जब तू खुद बचेगी। मेरी रानी माँ नहीं रुक जाएंगे। हम पहले ही पाप के भागीदार बन चुके हैं। और नहीं, बख्श दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं रानी माँ। बख्श दीजिए छोटी सी जान के लिए। वो छोटी बच्ची कोई और नहीं, तुम हो। क्या? हाँ किशोर जी, और पल्लवी वही तुम्हारे माता पिता है। हमने और रानी माँ ने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। गुनहगार है हम। हो सके तो हमें माफ कर देना। मतलब हमारी माँ ने हमारे सर की कसम खाई है हमारे ही परिवार को बर्बाद करने के लिए। माँ, माँ हमारी माँ कहाँ है? हमें उनसे मिलना होगा। वो पता नहीं किस हाल में होंगी। वो हमारा इंतजार कर रही होगी। माँ बताइए ना हमारी माँ कहाँ है? आपको पता है जब हमें पता चला कि हम अनाथ हैं, हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आया कि हमारे माँ बाप ने आके हमें क्यों छोड़ा, हमारी क्या गलती थी। लेकिन रास्तों में ये पता चल रहा है कि हमारे पापा तो खुद लड़ रहे थे, खुद तड़प रहे थे। माँ हमारे लिए वो तुम और पल्लवी और साल दूर रह लिए, पर अब और नहीं।
तुम्हारी असली माँ से हम तुम्हें मिलवाएंगे, और ये एक माँ का वादा है तुमसे। आपने जो कहानी सुनाई वही मेरी भी कहानी है। इसका मतलब आप मेरी माँ हैं और मैं ही आपकी बेटी हूँ। इतने साल से हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आप तो सोच भी नहीं सकती कि आपसे मिलने के बाद मैं कितनी खुश हूँ। क्या तुम सच में मेरी बेटी हो? अगर नहीं होती तो आपसे मुझे ना ही इतना जुड़ाव महसूस होता और ना ही हमारी कहानी एक जैसी होती। माँ, चौहान परिवार के पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपको पता है, आपके साथ साथ इन्होंने मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मेरी सौतेली माँ, उसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। अनमोल, जब तुम्हारी माँ पल्लवी को पता चलेगा कि तुम्हारी मांग में सिंदूर उस परिवार के बेटे ने भरा है जिस परिवार को बर्बाद करने की उसने कसम खाई थी, तो देख लेना, वो हमें माफ कर देगी। और आपको पता है, मुझे और दुख देने के लिए मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी एक 35 साल के आदमी से करवा दी, जिसकी एक बेटी भी है। हमें बहुत घबराहट हो रही है, हमें लग रहा है कि सही समय आ गया है। क्या हमें सब कुछ रजत को बता देना चाहिए इससे पहले कि तुम दोनों का रिश्ता खराब हो? हमें बता देना चाहिए हमारा सच, रानी माँ का सच। नहीं माँ, रुक जाइए, रजत जी को जो भी बताना है हम बताएंगे, अपने हिसाब से बताएंगे। हम नहीं चाहते कि रजत जी अपनी माँ से नफरत करने लगे, इसलिए माँ हम बताएंगे रजत जी को, ठीक है? नहीं अनमोल, हमने गुनाह किया है ना, तो हमें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। माँ, माँ रुक जाइए, सुनिए हमारी बात। आपको पता है माँ, इस घर में आके मैं कभी खुश नहीं रही, ना जाने कितने त्याग, कितने त्याग किए मैंने इस घर परिवार के लिए, पर इन लोगों ने कभी भी मेरी कीमत नहीं समझी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने बदले के साथ साथ आप मेरा भी बदला लीजिए। और माँ, आपको पता है, उस घर में माँ वो रजत की बीवी मृदुला तलाक होने के बाद भी मेरे पति के साथ मेरा ही रूप, मेरा ही मुखौटा पहनकर उस घर में रह रही है। इसीलिए सबसे पहले हमें उसे रजत, मेरा मतलब है कि रजत जी से अलग करना होगा, तभी जाके हमारा मकसद पूरा होगा। माँ, मैं अंदर पहले जाती हूँ और आपका आने का रास्ता बनाती हूँ। और हाँ, अभी के लिए ना आप उधर जाकर छुप जाइए। और माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारा सपना जरूर पूरा होगा, हम उनसे बदला लेकर रहेंगे। आप जैसे ही अंदर आएंगी ना, आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। वाह मृदुला, वाह, क्या तीर छोड़ा है इसने, जहां माँ खुद अपनी बेटी को उसके घर से निकालेगी। अब देखिए जननी एआई की कहानी,
तीन दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। रजत जी माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर देना। जिसे तुम अनमोल समझ रहे हो वो अनमोल नहीं, मृदुला है। ये आप क्या कह रहे? हाँ, कन्यादान के बाद जब हम तुम्हारे कमरे में दूध लेकर आए तो नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, माँ कह दीजिए ये झूठ। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकती? माँ क्या जरूरत थी ये करने की, बोलिए माँ। रजत जी, माँ को गलत मत समझिए, माँ ने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया, और हम अपनी माँ को अच्छे से जानते हैं, वो हमें जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना माँ? रजत जी, बात सही कह रही है, लेकिन ये मृदुला है। माँ रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। तो तुझे सब कुछ पता चल ही गया? हाँ, सब कुछ पता चल गया। और कसम बताएं, अगर आप रजत जी की दादी नहीं होती ना, तो आपको ऐसा सबक सिखाते कि इस जन्म में आप हमें कभी भी नहीं भूल पाती। धमका रही है? क्या कर लेगी बोल? हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस रजत जी को जाकर सब कुछ बता देंगे, फिर जो करना होगा रजत जी ही करेंगे। सुंदर, पकड़ो इसे, बंद कर दो कमरे में। अच्छा, हमें पकड़ोगे? ठीक है, तो फूल जैसे महके को भी रंग गुलाबी सुर्ख है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी जुटी सी तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी। अगर एक कदम आगे बढ़ाया ना, तो कसम बता रहे इस चाबुक से ऐसा धोएंगे कि तुम्हारे सारे अंग यहाँ वहाँ हो जाएंगे। रानी माँ, आप ही आगे मत आइए, वरना आप पर भी चाबुक चलाने पर हम लिहाज नहीं करेंगे। पीछे हटिए, एक हाथ पीछे हटिए। अरे पकड़ो। तू सबक सिखाएगी रानी माँ को? गुंडे मेरी अनमोल को मारेगा। बस कर दो मृदुला, अब और कितना खेल खेलोगी हमारे साथ? और क्या लगता है तुम्हें कि रजत जी
अपनी असली अनमोल को नहीं पहचान पाई। अरे तुम जितना सोचते हो ना, उससे भी कई गुना ज्यादा रजत जी हमसे प्यार करते हैं। वो तो बस हमारी आंखों में देखकर समझ आएंगे कि हम ही उनके असली अनमोल हैं ना रजत जी। याद है आपने हमें एक अंगूठी दी थी, वो हमारे पास है, ये देखिए। कैसे हो गया, हमारी अंगूठी कहाँ चली गई? अंगूठी हमारे पास है क्योंकि असली अनमोल हम ही है रजत जी। हम आपका तोहफा बिल्कुल संभाल कर रखें। रजत जी, इसने हमारी अंगूठी चुराई है, इस पर भरोसा मत कीजिए, हम हैं आपके अनमोल। याद है आपको, कन्यादान से पहले आप खाना लेकर आए थे हमारे साथ खाना खाने के लिए, लेकिन फिर आपको एक फोन आया और फिर आप खाना छोड़कर चले गए, याद आया? भैया आप तो कम से कम यकीन कीजिए, हम ही आपकी बहन है, आपकी अम्मू। माँ, थोड़ी देर पहले हम आपसे बात किए थे कि नहीं किए थे? तुतुला, तुम जो कुछ भी बता रही हो ना, वो हम ही बता सकते हैं। क्योंकि हम दोनों एक ही घर में रह रहे। खैर रजत जी, क्या कह रही है ये कि कन्यादान से पहले आप खाना लेकर आए थे, खाना खिला रहे थे, पर हम आपको एक बात बताते हैं। याद है हमने आपसे कहा था कि अपने राम को बिना खिलाए सीता के गले से खाने का एक निवाला तक नहीं उतरेगा। याद आया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रजत जी। ये इसने हमारी बातें सुनी, इसलिए ये ऐसा कह रही है। और मृदुला, तुम अपनी नौटंकी करना बंद कर दो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे तुम? तो हम भी तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। मृदुला, बस करो। बहुत हो गया, मुझे सोचने का मौका। रजत जी, सोचना क्या है, हम ही आपकी तूफान मेल है। नहीं, हम आपकी अनमोल है। नहीं रजत जी, हम है आपकी अनमोल, आपकी तूफान मेल। रजत जी, एक मिनट,
अभी पता चल जाएगा कौन हमारी बहन है और कौन मृदुला। अच्छा एक बात बताओ, जब तू सूरज की बहन को उठाकर लेके आई थी तो अम्मा ने तुझे किस चीज से सजा दी थी? चिमटे से। अच्छा बता, बचपन में जब माँ हमें डांटने आने वाली होती थी तो तू हमें कैसी आवाज निकाल के आगाह करती थी? चिड़िया की आवाज से भैया। हम ऐसी आवाज निकालते थे भैया। अनमोल, हम जानते थे कि तुम कितनी शातिर हो, इसीलिए हमने मृदुला को पूरी तरह तैयार किया है ताकि तुम हमारा खेल न बिगाड़ सको। मृदुला, तुम्हें बहुत शौक है ना अनमोल बनने का, तो ठीक है फिर एक कबड्डी का मैच रखते हैं। जो उस खेल को जीतेगी वही असली अनमोल होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है?